हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे परफेक्ट मालपुआ विदाउट मिल्क, जो बनेगा बहुत ही सॉफ्ट। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बड़ा एक कप मैदा। मैंने बड़ा कप का एक कप मैदा लिया है, जो बड़ा वाला कप होता है उसका बड़ा एक कप। अब हम इसमें डालेंगे क्वार्टर कप सूजी, यानी 1/4 कप सूजी। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। अब हम इसे अच्छे से सूखा मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, मगर मैं नहीं करूंगी। थोड़ी सी सौंफ हम इसमें डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई लम्स नहीं होनी चाहिए। आप अगर इसमें दूध डालते हो तो कढ़ाई में जाते ही ये चिपक जाते हैं, इसलिए हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे 4 से 5 घंटा ढक के रखेंगे। आपके पास अगर कम टाइम है तो आधे घंटे तक आप भिगो के रख सकते हो, लेकिन अगर टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो और नेक्स्ट डे आप मालपुआ बना कर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बनेगा। 4-5 घंटे के बाद हमें एक बार फिर से इसे मिला लेना है और ये देखिए थोड़ा सा फूल गया है। अब हम इसे बनाएंगे। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में ऑयल ले लिया है। शुरू में हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद हम गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे। फिर हम इसमें बैटर डालेंगे। मालपुआ बनाते समय अगर एक फैला हुआ पैन या बर्तन आप लेंगे तो एक साथ 3-4 या 2-3 फ्राई कर सकते हो। अगर आप कढ़ाई में करेंगे तो सिर्फ एक एक ही कर पाओगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और पैन में करने से ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता। बैटर डालने के बाद हम चम्मच से थोड़ा ऑयल को इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस तरह से लो मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट एक साइड हमें पकाना है। हाई फ्लेम में पकाएंगे तो एकदम से जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। ऑपोजिट साइड भी हमें 2-3 मिनट पकाना है और इस तरह से ऑयल छिड़कना है, और इसी तरह हमें अलट पलट के अच्छे से पका लेना है जब तक कि ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमारा मालपुआ गोल्डन ब्राउन हो गया है। लाइट ज़्यादा है इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा वाइट दिख रहा होगा। अब हम इसका ऑयल छान के निकाल लेंगे। बाकी बचे बैटर को हम सेम प्रोसेस में फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे मालपुआ को इस तरह से फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसे ड्राई भी खा सकते हो, यानी सूखा भी खा सकते हो, और चाशनी में डुबोना है तो इस तरह से दोनों तरफ डिप करिए और तुरंत ही निकाल दीजिए। ये रहा हमारा रसेली सॉफ्ट मालपुआ बनके तैयार हो गया है। फिर हम प्लेटिंग करेंगे और सर्व करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स। आप एक बार इस ट्रिक को आजमा कर देखिए। बिना दूध के मालपुआ खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और साइड साइड से बहुत क्रिस्पी भी होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।